अगर तुमने चौरागढ़ जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम दोनों अकेले चौरागढ़ नहीं जाओगे, पूरा परिवार साथ जाएगा। जगह देख लिया आप, वृक्ष कहीं नहीं है। कहीं नहीं मिला मतलब कहां जा सकता है? समर, तुमने ठीक से देखा है ना बेटा? हाँ, पहले ही समझाया था मैंने कि ये जगह बहुत खतरनाक है, हम नहीं जाएंगे, पर मेरी सुनता कौन है? बस मुझे ये कह के चुप करा दिया जाता है कि मेरा वहम है, मैं खामखा सोचती हूँ, खामखा परेशान होती हूँ। अरे बच्चों के लिए मैं परेशान नहीं होंगी तो क्या दुनिया के लिए परेशान होंगी? नदी में एक बार फिर से तहखाने में देखे आता। नहीं समर बेटा, कोई अकेला नहीं जाएगा, पप्पू तुम समर के साथ जाओ। चलो पप्पू। कमला, ये मंगल कहाँ है? वो घर में काम करने के पैसे लेता है या बाहर भटकने के? जाओ बुला के लाओ उसे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं मेरी। दक्ष भैया को क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ दक्ष को। और तुम लोग भी सुन लो, कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा, समझे? चलो अनुभव, हम अपने रूम में चलते हैं। ये ईशान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो कहाँ गया? पता नहीं दादी, सुबह से नहीं दिखाई दिया। कमला, जरा इससे पूछो ना, बाहर कहीं दक्ष को देखा? ये बोला है नहीं देखा। नहीं देखा। तुम वहां देखो, उस तरफ, मैं वहां जाता हूं। हाँ दक्ष, 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 ईशान, ईशान कहां थे तुम? मैं खेतों में गया था। अरे बता के तो जाया करो, भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो हम धनंजय मीरा को क्या जवाब देंगे? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हुआ क्या है? दक्ष सुबह से कहीं मिल नहीं रहे, इसीलिए दादी परेशान है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं दादी, वो तय खाने का कोना कोना छान मारा, दक्ष कहीं नहीं मिला। दादी, 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 मेरी गलती थी, मुझे दक्ष की जिद नहीं माननी चाहिए थी। दादी बुरा बुरा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, दक्ष आ जाएगा, बस यही कहीं आसपास होगा। दक्ष, दादी दक्ष, हाँ, दक्ष, आपकी दक्ष बेटा, दक्ष बेटा, मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? कहाँ थे तुम? हम कितने परेशान हो गए थे, जाने सूख गई थी हमारी, तुम कहाँ थे बेटा? ये क्या हाल बना रखा है? मैं ठीक हूँ दादी, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पानी? हाँ, कमला पानी लेकर आओ। वैसे तू था कहाँ बेटा, बता ना। आज मैंने जाना कि मौत क्या चीज होती। दादी मैं वो तहखाने में फंस गया था। तहखाने में? आ।
कोशिशों के बावजूद भी जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई तो मुझे लगा कि बस आज तो दहकाने की इसी कमरे में मेरी कब्र बनने वाली है। फिर भी माँ काली का नाम लेकर मैंने एक आखिरी कोशिश कर डाली। मैं दीवारों को जोर जोर से धक्का देने लगा क्योंकि मैं जानता हूँ दादी कि इस हवेली में कई सारे खुफिया दरवाजे हैं। अचानक एक दीवार हट गई। वो एक सीक्रेट डोर था और उस सीक्रेट डोर के बाद एक सुरंग खुल गई दादी। मैं सुरंग में चला गया। वो सुरंग हमारे कुलदेवी के मंदिर के पास जाकर मिली। आज तो दादी मुझे माँ काली ने बचाया। देखा बेटा, कहा था ना मैंने कि ये बहुत मनहूस जगह है। चल बेटा, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चल, क्या पता यहाँ कब क्या हादसा हो जाए। देख बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं तेरी जान दांव पे नहीं लगा सकती। बहुत कुछ खोया है मैंने। आज ही हम वापस जाएंगे बस। अरे दादी, आप लोग कितने भोले हैं। आप लोगों को उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। तू हंस क्यों रहा है? अरे दादी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये अनु कि वो जो नया हाईवे बना है, मैं तो वो देखने गया था। हाँ, और वही एक स्टूपिड सा कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और उसी से बचने के लिए भागने लगा तो 2-3 बार गिर गया। उसी में ये हालत हो गई। दक्ष, तू सच कह रहा है ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ दादी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो तो यहाँ पर आकर मैंने देखा कि आप लोग इतने परेशान हैं। मैंने सोचा चलो मौके का फायदा उठाया जाए और थोड़ा मजाक कर लिया जाए, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बना डाली। अगर जान ही लेनी थी तो थोड़ा जहर दे दिया होता। इस तरह तड़पा तड़पा के मारने की क्या जरूरत थी? I'm sorry, दादी। मैंने बबलू से कहा था कि वो इस तरह के मजाक ना करे, तो अब तू शुरू हो गया। अनु, अनु। देखा, नाराज कर दिया ना अनु को। अब जा जाके मना उसे, जा। अनु, 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 आई एम सॉरी, फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अनु, मुझे पता नहीं था ना कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। गुस्सा छोड़ दो ना अनु, मैं नहीं करूंगा ऐसा कभी। अच्छा ठीक है, तुम इसी तरह रूठी रहोगी तो फिर मैं मनाता रहूंगा। एक काम करता हूं, तुमसे माफी मांगने के लिए कान पकड़कर उठक बैठक करता हूं। क्या करें भाई, खूबसूरत लड़की का दिल दुखाया तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। दक्ष, दक्ष, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? दक्ष, जिसकी पत्नी उससे नाराज हो उसे कहाँ दर्द हो सकता है? यहाँ दर्द हो रहा है। अनु, दक्ष छोड़िए मुझे। नहीं, इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो शायद इस वक्त छोड़ दूँ। अच्छा बाबा, माफ किया, अब छोड़िए। माफ कर दिया? हाँ। फिर अनु, जब माफ कर ही दिया ना तो फिर दूर जाने की क्या जरूरत है? पता है कितना डर गई थी मैं, अगली बार ऐसा करेंगे ना तो मेरी तो धड़कन ही रुक जाएगी। तुम सभी को तो झूठ बोलकर बहला दिया मैंने, पर हकीकत क्या है वो मैं जानता हूँ। आज जिंदा हूँ तो शायद तुम सभी की दुआओं का नतीजा है। मुझे और केयरफुल रहना होगा। दादी का डर गलत नहीं है, ये जगह वाकई खतरनाक है। अगर तहखाने को अम्यूजमेंट रूम बनाया जाए तो बच्चों के लिए बहुत थ्रिलिंग जगह हो सकती है। सुनो
सो गई, फिर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। काम करता हूँ, नीचे जाकर काम कर लेता हूँ। स्केल कहाँ रख दिया? अभी लगता है ऊपर ही भूल गया। कोई भी चीज कहीं भी छोड़ देते, किसी का पैर स्केट पर पड़ जाता तो। दक्ष। हाँ अनु। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम सो जा, वो मुझे नींद नहीं आ रही ना, तो मैं नीचे बैठ के काम कर रहा था। अचानक काम करने का प्लान कैसे बना? अचानक? अनु मैं तो एक घंटे से नीचे काम कर रहा हूँ। आप एक घंटे से नीचे हैं? हाँ ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया। प्लीज बुरा मत मानना, देखो मुझे नींद नहीं आ रही ना, तो अभी बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलने से अच्छा तो काम कर लेना ही होता है, तो मैंने सोचा ठीक है काम कर लेते। तुम सो जाओ, मैं काम कर लेता हूँ। गुड नाइट। दक्ष एक घंटे से नीचे, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मेरे पास ही थे? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ दक्ष। जब आप मेरे साथ नहीं भी होते हैं तो भी लगता है जैसे आप मेरे पास ही हैं। क्या सच में मैं सपना ही देख रही थी?
मंगल को फेंस चेक करने के लिए बोल दिया है। ये जगह वाकई बहुत खतरनाक किस्म है, हमें से किसी को भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। You're right. अचानक आवाज मत दीजिए, मैं डर जाती हूँ। रिलैक्स अनु, जंगल है, जंगली जानवर आ जाते हैं। देखो ना, मैं वो फेंस भी ठीक करवा रहा हूँ। हाँ अनुजी, दक्ष सही कह रहा है। आई नो आप लोगों को लग रहा है कि मैं वहमी हूँ, डरपोक हूँ, पर हकीकत तो यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या अब क्या समझ नहीं पा रही? यहाँ क्या अजीब क्या है यहाँ पर, बताइए ना। वो आज, मेरा मतलब है कल रात, I mean, उस दिन जब लाइट गई थी तो वो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, बस यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अनु जी, ये नई जगह है, सुनसान जगह है, थोड़ी डरावनी है, दैट्स इट। मतलब इतना अजीब नहीं है कुछ यहाँ पर। अनु जी, ऐसी जगह पर अगर कभी कभी साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही है। अनु, कुछ नहीं है यहाँ पर, और अगर कुछ है तो हम सब है ना यहाँ पे तुम्हारे साथ। मेरा यकीन मानो, कुछ भी नहीं है। कैसे यकीन मानू दक्ष, कैसे झुटला दूं जो मैंने महसूस किया है। अनु प्लीज। नहीं दक्ष, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये जगह सेफ नहीं है। अनु जी, अगर आप भी ऐसे बिहेव करेंगे ना तो दादी का शक यकीन में बदल जाएगा, और दादी हमको यहाँ रहने देंगी नहीं, और दक्ष का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। कम ऑन अनु जी। इज राइट अनु, प्लीज समझने की कोशिश करो। दादी को तुम्हारे बातों की जरा सी भी भनक लग गई ना तो सब खत्म हो जाएगा ना। हाँ अनु जी, यकीन कीजिए, ये जगह ऐसी नहीं है जैसी वो लगती है। थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन रहते रहते आदत पड़ जाएगी। कम ऑन, रिलैक्स। दीदी, फब्जी का बनाओ। हाँ, पनीर बना दो। समर, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो हम हमारे रिसोर्ट के लिए सारे, भैया कॉफी ला। नहीं, नहीं। आपके लिए कुछ लाओ बाबा। नहीं। ये फई है कि कमला फूलों का कमला है, पर फूलों के पात काटे भी होते हैं। पब देखते रह जाएंगे और ये कमला अपना काम करके निकल जाएगी। बबलू अंकल, मुझे चॉकलेट खाना है। पहले ये गेम खत्म कर ले, उसके बाद खाते हैं। नहीं, मुझे अभी खाना है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। पर हाँ, तुम चीटिंग मत करना। हाँ, नहीं करूँगा, आपकी कसम। ठीक है।
कुछ भी नहीं है। अनुभव, ये मजाक बबलू बहुत पहले कर चुका है। पापा, पापा मेरा हाथ। शैतानी करने का नया तरीका ढूंढ लो अनुभव। पापा, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। पापा, पापा, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। अनुभव, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गए? हाँ? अनुभव, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बबू भैया? पता नहीं, मैं तो चॉकलेट लेने गया था, जब मैं आया तो ये गिरा हुआ था। गिर गए तो क्या हुआ? आप तो बहादुर बच्चे हो, है ना? मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है स्वीटहार्ट। अरे यकीन करो, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं हूं। अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं ना, तो प्लीज हम इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है दक्ष। मैं आपका काम समझती हूँ, पर मेरा यकीन कीजिए, यहाँ पर कुछ अजीब अजीब से चीजें हो रही हैं दक्ष। मैं आपके सपने के बारे में भी जानती हूँ, पर आपका सपना तो कहीं पर भी पूरा हो सकता है ना, यही जगह क्यों? दक्ष प्लीज चलिए यहाँ से। दादी की बात गलत नहीं है दक्ष, यहाँ पर सच में कुछ है, कुछ डरावना सा। और इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए ना दक्ष, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दक्ष, दक्ष प्लीज स्टॉप इट, दक्ष मैं गिर जाऊंगी, स्टॉप इट। अनु, क्या हुआ अनु, तुम ऐसे गिर कैसे गई? ऐसे क्या देख रही हो अनु, चोट लगी क्या तुम्हें? आप वहां नहीं थे दक्ष। कहां नहीं था? वो झूले के पास कोई मुझे धक्का दे रहा था दक्ष। अरे मैं ही था अनु, मैं ही था झूले पे, और उसके बाद मैं फोन करने चला गया था। नहीं दक्ष, उसके बाद आपके जाने के बाद कोई था यहाँ पर मेरे पीछे था? अनु कोई नहीं था, और कोई होता तो अभी कहाँ गया, ऐसे गायब कैसे हो गया? घर के अंदर सभी हैं, बाहर मैं हूँ, कहाँ जा सकता है? God, trust me, दक्ष, यहाँ पर कोई है, हमारे परिवार के अलावा कोई है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, ठीक है अनु, देखो काम डाउन, प्लीज काम डाउन, ओके? देखो अभी बहस करने का वक्त नहीं है, तुम्हें चोट लगी, तुम अंदर चलो, चलो अंदर संभल कर। संभल कर, संभल कर, संभल।
यहाँ आराम से बैठ जाओ। हाँ, और ये पाँव जो है ऊपर रखो। दक्ष आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दक्ष वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। प्लीज दक्ष आप समझिए ना। फिलहाल मैं ये समझ रहा हूँ अनु कि इस चोट मर का दवाई नहीं लगाई गई ना तो पाँव सूज जाएगा। दक्ष आप प्लीज वहाँ पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज से मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, कल हो सकता है किसी के साथ बड़ा हादसा। एक मिनट अनु, एक मिनट। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? फ्रैक्चर ना हो गया तो? नहीं चाहिए ये दवा। आप समझ क्यों नहीं रही ये सिचुएशन कितना सीरियस है दक्ष? दवा नहीं चाहिए मुझे। मेरे चोट के बगैर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए दक्ष। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? कब सुनेंगे? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब? कब से बोले जा रही हूँ और आप है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनु मैं... ठीक है, नहीं सुननी ना तो मत सुनिए मेरी बात। अनु मैं तुम्हारे दर्द को लेकर परेशान था इसलिए। परेशान उन बातों के लिए हुई है दक्ष, जो आगे जाकर और बड़ी परेशानी बन सकते हैं। अनु अरे क्या हुआ बेटा? आप मम्मा को नहीं बताओगे? मम्मा तो आपकी फ्रेंड है ना? ओह माय गॉड, इधर आ। बबलू भाई ये कैसे लगी इसको? क्या हुआ अनुभव, बताओ बेटा। उस रूम में ना वो जो मार्स है ना, उसके मुंह में ना मैंने हाथ डाला था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने बहुत कोशिश की पर उसने नहीं छोड़ा मेरा हाथ। फिर अचानक से उसने छोड़ दिया और मैं गिर गया। ओह गॉड, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं बेटा? मैंने बताया था पापा को, पर पापा ने समझा था कि मैं भी बबलू अंकल की तरह मजाक कर रहा होता। गॉड, दक्ष, दक्ष। क्या हुआ अनु? मेरी बात पर तो आपको विश्वास नहीं है, कम से कम इस पर तो विश्वास होगा। ये क्या हुआ? बच्चे मजाक कर रहे हैं अनु। मजाक कर रहे? दक्ष आपको तो हर चीज मजाक लगती है, कम से कम अपने बच्चे की चोट पर तो विश्वास कीजिए। अरे अनु कोई और शरारत करते हुए इन्हें चोट लग गई है और डांट ना पड़े इसीलिए इन्होंने ये कहानी बना डाली। God, दक्ष, you really... अनु, relax, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो ये लोग कह रहे हैं। हाँ, don't worry, मैं अनुभव के लिए दवाई लेके आ रहा हूँ। दक्ष, God, जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, मैं उसे कैसे समझाऊं? कभी दोस्त हुआ करते थे हम अनु जी, आप अपनी सारी परेशानियां सारे दुख मेरे साथ बांटती थी। दोस्ती का क्या मतलब होता है समझे? अपने दोस्त की हर सही गलत बात को मान लेना। लेकिन मैंने अभी तो कुछ कहा ही नहीं। तो आप कुछ कहिए समझे, दक्ष को समझाइए। हाँ मैंने दादी के सामने झूठ बोला, पर सच तो यह है कि मैं परेशान हूँ और परेशान से ज्यादा डरी हुई। अनु जी बैठ जाइए प्लीज। बस आपको इतना ही भरोसा अपने दोस्त पर कि आपको लगता है मेरे होते हुए मैं आपका कुछ भी बुरा होने दूंगा? समझिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर आप मुझे बचाएंगे तो उससे जो दिखाई देता हूं ना, जो दिखाई ही नहीं देता तो उससे? एग्जैक्टली, जो दिखाई नहीं देता उसे वहम कहते हैं अनुजी। अनुजी जो नहीं दिख रहा है तो आपकी बात पर कौन कैसे यकीन करेगा? अनुजी अगर कोई है तो सिर्फ आपको ही क्यों दिख रहा है? हम में से किसी को कोई क्यों नहीं दिख रहा? आप ठीक कह रहे हैं समर जी,
मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई होता तो कोई निशानी या कोई सबूत तो छोड़ता ही। मैं दक्ष के साथ भी ठीक नहीं कर रही, मुझे अपने डर पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेहनत बर्बाद करके रख दी। क्या जल्दी थी, क्या जल्दी, कहां जाना है तुम्हें? नानी अक्कल कब आएगी तुम्हें? ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? अरे सब इस पप्पू की वजह से हुआ। क्या पप्पू, ये ऐसे देख क्या रहे हो? पता है कितनी मेहनत से बनाई थी ये सब। इसकी प्रॉब्लम क्या है दक्ष? अब पप्पू को संभालिए, मैं दक्ष को समझाता हूं। दक्ष, कहां गए पप्पू भैया? बाहर ही तो आए थे। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आप मुझे बताइए कि मैं अपनी आंखें कब खोल सकती हूँ? तुम चाहो तो अपनी आंखें अभी खोल सकती हो सैली, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो तुम सोच रही हो। अरे अनु, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, हमने बाकायदा शादी की है यार। क्यों सैली, ठीक कह रहा हूँ मैं? ये तो सही है। अच्छा अनु, घर से इतनी दूर आकर यहाँ अगर मैं तुमसे रोमांस भी नहीं कर पाया तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? आप वही कीजिए जो आप यहाँ करने आए थे। भाई मैं तो इसीलिए यहाँ पर आया था, काम काज तो सिर्फ बहाना था। ओहो, इस सब के लिए बहुत वक्त है, मैं तो आज ही आई हूँ। और ये फार्म हाउस कितना खूबसूरत है, मुझे नहीं दिखाओगे दक्ष? मुझे तो तहखाना भी देखना है। बबलू और अनुभव बता रहे थे कि यहाँ एक तहखाना है। आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी चलो, मुझे तहखाना देखना है। चलो जल्दी दिखाओ। अच्छा बाबा चलो। सॉरी अनु जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग फार्म हाउस देखिए, मैं डिनर की तैयारी करवाती हूँ। देखा, इसे कहते हैं अच्छी बीवी। आओ चलो। बबलू भैया, क्या हुआ? नीचे सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? पप्पू भैया के कारण। पप्पू भैया ने मना किया आपको? नहीं, पप्पू भैया नाराज है, दक्ष भैया ने डांटा ना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है जब पप्पू भैया को कोई डांटता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर गुस्से में पागल हो जाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं डांट सकता। लेकिन बबलू भैया आप खाना? मैं यही खाऊंगा, प्लीज भाभी आप खाना
मेरे लिए यही ला दीजिए ना, मैं दादी के कमरे में ही खाकर यही सो जाऊंगा। खाना बहुत टेस्टी था ना? पप्पू ने खाना नहीं खाया ना, मैं उसके कमरे में देखा रहा। ठीक है, और सुनो, खाना बस कमरे में रख कर आ जाना, उनको फोर्स मत करना। क्यों? उफ़ सहेली, तुम्हें जितना बोला जाता है उतना ही क्या करना, कितने सवाल पूछती हो। ओके जाओ। पप्पू भाई और दक्ष का झगड़ा खत्म करना ही होगा, मुझे दक्ष से बात करनी ही पड़ेगी। अनु, सारा दिन मुझसे नाराज रही ना तुम? मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता। क्या करूं बताओ? तुम जो ये सब कह रही हो, ये सब तुम्हारे वहम है अनु। बट मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारे वहम को? देखो अनु, हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें थोड़ा वक्त मिला है साथ बिताने का। उसमें अगर तुम ये सब बोलोगे तो छोड़िए ना दक्ष। वैसे मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती थी, पप्पू भैया के बारे में। पर देख लिया ऐसे, वरना ये तो थैंक्स समर, थैंक्स। थैंक यू समर जी। ओके, इट्स ओके। अच्छा हुआ फाब, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। पर ये हुआ कैसे? पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। अगर समर एन वक्त पर नहीं आया होता तो तुम दोनों किसी को कुछ नहीं बताओगे। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, दादी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना जी? और देखो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, बेकार बात कोई नहीं बढ़ाएगा, ठीक है जी? जाओ। मनहूस है ये जगह अनु, मनहूस। यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। कहीं है पप्पू भैया?
बैकयार्ड इतनी बड़ी जगह है, कुछ करना चाहिए इसका। समर मैं सोच रहा था इस जगह पर गोल्फ कोर्स बनाया जाए, व्हाट डू यू थिंक? फैंटास्टिक, ऑसम आइडिया, क्या बात है। आप क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो मतलब? हाँ? जा रहे हैं, ये कोटेशन मिल करना, भूल गए? एक्चुअली भूल गया। भूल गए या फिर सयाली के यहाँ आ जाने के बाद तुम्हारा फार्म हाउस छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता? अरे कम ऑन यार दक्ष, तुम जो सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है, वो एक्चुअली मेरे पेट में दर्द था। पेट में दर्द था? पेट में दर्द था या दिल में दर्द था? समर यू नो यूजुअली लोग इसे प्यार कहते हैं, यू नो लव। अब मरूंगा यार, तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है दक्ष, कम ऑन यार, यू आर टू मच। गॉड, समर इज सच अ नाइस गाय, भगवान करे उसकी सारी तमन्नाएं पूरी। अनु क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तुम उस स्टैच्यू को लेकर अभी भी अपसेट हो? अनु इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, देखो स्टैच्यू को गिरना था, इट वॉज जस्ट कोइंसिडेंस कि हम लोग वहां थे। अनु प्लीज तुम परेशान मत हो, देखो ना तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो फिर चलिए ना यहाँ से दक्ष, मैं जानती हूँ आपका काम है यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज चलिए यहाँ से दक्ष। अनु देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, और आई प्रॉमिस कि काम खत्म होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो पूरा हो जाए। और पप्पू ने वो डिजाइन खराब कर दिए, उन्हें भी फिर से बनाना है। जस्ट गिव मी फ्यू मोर डेज, कुछ ही दिनों का काम बाकी। हाँ अच्छा, वो मुझे ये कोटेशन मेल करने पासी के शहर में जाना है, सो I'll be a bit late, ठीक है? दक्ष, अपना ख्याल रखिएगा। मॉम आज भी एक स्टैचू दक्ष और अनु के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वक्त पर वो समर आ गया और उसने बचा लिया। बड़ी अच्छी किस्मत है दोनों की। मॉम इन छोटे मोटे हादसों से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि कुछ बड़ा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ ईशान? कुछ नहीं। तो इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं बस ऐसी। कमाल है ईशान भी, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? सयाली डर क्यों गई? ओह आप अचानक सामने आ गई ना, इसलिए घबरा गई। ये खीर किसके लिए बन रही है? वो मैं बबलू और अनुभव के लिए खीर बना रही थी। मैं तो देकर आती हूँ। चाय पियोगी क्या? हाँ मैं बना देती हूँ। जी अनुभव, और ये चूहे बारिश के दिनों में बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मैं लाई थी चूहों को मारने के लिए। सयाली आपने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती? इस परिवार के लिए मैं अपनी सगी बहन पर भी वार करने में नहीं हिचकिचाई, तो भला इस परिवार के बच्चों की जान कैसे ले सकती हूँ? माना कि मेरा इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं, पर इसे मैंने अपना माना है, अपना। सयाली
सराली सुनो, सॉरी सयाली, मुझे तुम पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जहर देखकर मैं घबरा गई थी और मैं तुम पर शक कर बैठी। अपनी दीदी को माफ नहीं करोगी? पर मैं क्या करूं सयाली, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। मैं खुद के साए तक से डरने लगी, न जाने कौन अजनबी दिखते। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे हो। किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है, इसलिए तुम पर इल्जाम लगा बैठी। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज, आई एम सॉरी। अनुज, ये क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को। वाकई अनुज जी, आपकी हालत तो ठीक नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। आप बताइए मुझे, मैं सुनूंगी आपकी बात को और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ करूंगी। बताइए मुझे, वो कौन सी बात है जिससे आप इतनी बेचैन हैं, इतनी डरी हुई हैं? लगता है जब कोई बड़ा हादसा होगा तभी समझेंगे ये लोग। नहीं, कोई हादसा होने से पहले ही हमें ये फार्म हाउस छोड़ के जाना चाहिए। मैं तो यही मन्नत मांगती हूँ सयाली कि यहाँ से जाने तक काली माँ सबको सुरक्षित ही रखे। ये ईशान भी अजीब हरकतें कर रहा है, लगता है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। एक दिन राजा शिकार करने गया, वहाँ उसे बड़ा सा शेर मिला। शेर ने बोला कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा क्यों लगा कि रूपाली थी? उसकी हरकतें मेरे दिमाग में इस तरह बैठ गई कि मुझे हर जगह वही दिखाई देने लगी। से बात पूछूं? हाँ। I mean, मुझे तुम्हारे घर के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये ईशान जो है ना, इसकी हरकतें कुछ अजीब सी हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। जब तक कि कुछ बड़ा। क्या हुआ ईशान? कुछ नहीं। तो इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। Thank you.
इस मंगल का फाद देने पे फफूंगी के फी देने। फिर क्या हुआ पता है? राजकुमार ने तलवार से ना राक्षस की गर्दन काट दी। दादी, हर कहानी में राक्षस ही क्यों मरता है? क्योंकि वो बुरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बुरा आदमी क्या सोचता है, वो अपनी बुराई से, अपने डर से सारी दुनिया को जीत लेगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है ना, वो कभी बुराई का साथ नहीं देते। इसीलिए बेटा, कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं। प्लान के हिसाब से जो ये 90x140 का एरिया है, इसे मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा और स्प्रेड आउट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए पार्क बनेगा वहाँ पर। सो यू नो, क्या ये बेटा, आप खेलो। अरे पप्पू, ये तो बिल्कुल वही डिजाइन से जो तुमने कॉफी गिराकर खराब कर दी थी। समर देखो जरा। अरे हाँ, ये तो वही डिजाइन है। लेकिन बापू, जो डिजाइन बनाने में दक्ष को इतना वक्त लग गया, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे बनाई? हाँ, सरप्राइजिंग। पप्पू भैया है ना, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, वो भी बहुत फास्ट, है ना पप्पू भैया? हाँ, लेकिन ये कोई मामूली ड्राइंग नहीं है, ये तो आर्किटेक्चरल मैप्स है। दक्ष भैया, वो कोई भी चीज एक बार देख ले तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। आपकी ये डिजाइन खराब होने के एक दिन पहले उन्होंने देख ली थी। हाँ, यू आर जीनियस पप्पू, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। पप्पू, बड़ा भाई हो तुम्हारा, गुस्से में आकर थोड़ा डांट दिया तो क्या जिंदगी भर नाराज रहोगे मुझसे? अच्छा बाबा, ठीक है, आई एम सॉरी। अब आगे दक्ष बेटा, दिल छोटा मत कर, पप्पू का गुस्सा शांत हो जाएगा। और बेटा, तू भी ध्यान रखा कर, इस तरह चिल्लाया मत कर उस पे। हाँ दादी, भाई है मेरा, नाराज किया तो मना भी लूंगा। पप्पू भैया दक्ष से कितना प्यार करते हैं, आज कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, और मैं उन पर शक करती रही, सोच कर भी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए था। चाहे पप्पू भैया मेरी सोच से अनजान है, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे माफी मांगूं। मेरी फोटो को और वो चूड़ियां, वो तो शायद मैंने कल किचन में काम करते वक्त छोड़ दी थी। इंटीरियर्स का प्लान तो सुपर बन गया है, अब एक्सटीरियर के पिक्चर्स लग जाए ना तो ये जगह स्वर्ग बन जाएगी। हाँ समर, जिस तरह से अनु और दादी परेशान है, मुझे तो लग रहा था काम आधा छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। हाँ, exactly. चलो, अब थोड़ा सा ही काम बच गया है, कुछ ही दिनों में खत्म कर दूंगा। इन्वेस्टर्स को ये प्लान पसंद आ जाए तो दक्ष सही कहता हूँ, मजा आ जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग तो मैंने कर ली है, बस इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाए, हमारा ये स्वर्ग हकीकत बन जाएगा। दक्ष, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कहां खो गए? नहीं, वहां कोई क्या है? वहां पर वहां कोई था समर, वहां तो कोई नहीं है। नहीं, एक्चुअली अभी मैंने वहां एक औरत को देखा व्हाइट साड़ी में। औरत को? अरे होगी कोई गांव की औरत। तुम रुको, मैं बाकी फाइल्स लेकर आता हूँ। क्या बेवकूफी है दक्ष,
रूपाली पागल खाने में। मैं भी ना, रूपाली यहां कहां से हो सकती। स्टूपिड। जी? हाँ सैली, क्या हुआ? इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? फिर कुछ हुआ क्या सैली? क्या बना रही हो खाने में? आज तो बैंगन का भरता है और रसीले आलू। अरे वाह, मुझे रसीले आलू बहुत पसंद। क्या हुआ अनु? कुछ भी तो नहीं दादी। परेशान लग रही हो बेटा। नहीं तो दादी, मैं नहीं लाऊंगा, आप लो। नहीं, जब तुम मारते हो तो मैं जाता हूँ ना, अब तुम लेके आओ। कितनी बार समझाया तुम दोनों को कि झगड़ा नहीं करते। चलो अब जाओ, दोनों जाके बॉल ले आओ। जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चलो दादी, वो बाहर कीचड़ की वजह से फिसलन काफी है, मैं ले आती हूँ। ठीक है बेटा। चीटिंग करता है, झगड़ते रहते हैं। कहाँ जा सकती है बॉल? बच्चे इतनी दूर तो नहीं फेंक सकते। पता नहीं उस कॉफी में क्या था, मेरे को तो बहुत नींद आ रही है। अनु तुम थक गई हो, सो जा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है भाई, मैं भी सो जाता हूँ। सपना नहीं दक्ष, मैं रूपाली हूं। आओ दक्ष, दक्ष।
पा रही है। तो यही थी कौन तुम? कमरे में कैसे पहुंचा? आप इस बात से परेशान हैं कि आप अपने बेडरूम में कैसे पहुंचे? नहीं, मेरा मतलब है, मैं तो दक्ष, इतने परेशान क्यों हैं? कोई सपना देखा क्या? हाँ, शायद शायद सपना ही होगा, लेकिन एकदम सच जैसा था। बहुत बहुत ही भयानक सपना था। जब सपना ही था तो फिर इतना परेशान क्यों होना? सब सपने सच थोड़े ना होते। नहीं, वो सपना नहीं था, वो सब सचमुच मेरे साथ हुआ था। और मेरे कपड़े भी अलग हैं। ये वो कपड़े नहीं है जो मैं रात को पहन के सोया था। कोई तो है जो मेरी जान लेना चाहता है, पर कौन है और क्यों? ये गुड़िया आप यहां कैसे? दक्ष, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मॉम, कहां थे कल रात आप लोग? मैंने कितने फोन किए? आप लोग मुझे यहां पर फंसा कर वहां पर आराम कर रहे हैं। पता है कल यहां पर कितनी बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई? अच्छा मॉम, मैं बाद में फोन करता हूं, कोई आ जाएगा। बाय। गुड मॉर्निंग बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड।
पापा, आज मैं आपके साथ नाश्ता खाऊंगा। ओके बेटा। पापा, क्या आप मुझे कंधे पे बिठाएंगे? अरे बाप रे, कंधे पे? अच्छा ठीक है बेटा, हम आपको कंधे पे बिठाएंगे, लेकिन आप पापा को दो मिनट देंगे, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? ओके। तक आप खेलिए, ओके? ओके। बेटा अभी पापा बस दो मिनट में तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग नाश्ते के लिए जाएंगे, हैं? अभी पापा अनुभव के साथ नाश्ता करने जाएंगे। किससे बातें कर रहे हो? अनुभव से और क्या? अनुभव से? कहाँ है अनुभव? अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। दक्ष भैया, आप है ना, दिन में भी सपने देखते हैं, अनुभव कहाँ है? अरे नहीं नहीं, अभी था यहाँ पर, शायद बाहर चला गया होगा। बाहर से तो हम आए, हमें तो नहीं दिखा। देखो पता नहीं कहाँ भाग गया, बदमाश हो गया, पर गया कहाँ होगा? चलो वहां रख दो, चलो चलो जल्दी। मूर्ति मंगल, ये मूर्ति कहां गई? जो जंजीरों में बांध के रखी थी वो मूर्ति कहाँ गई? मंगल जवाब दो। जी वो बाहर। बाहर? तुम बिना पूछे उसे बाहर कैसे ले गए? किसकी इजाजत से ले गए? जब उस मनहूस मूर्ति को जंजीरों में बांध के रखा था तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना? मां काली रक्षा करना। चलो जल्दी चलो, बताओ मुझे कहाँ है, आओ। मैं तो मम्मा पापा के रूम से सीधा बाहर आ गया, मतलब मैंने सिगरेट डोर ढूंढ लिया। अब मजा आएगा, मैं इस डोर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। बबलू अंकल के साथ जब मैं लुपा छुपी खेलूंगा तो वो मुझे घर पे ढूंढते रहेंगे और मैं सिगरेट डोर से बाहर आ जाऊंगा। अरे अनुभव, कहाँ थे आप? आप तो मेरे साथ नाश्ता करने वाले थे। मैं तो यही था। यही था? अरे अनुभव, आप तो मेरे साथ कमरे में थे। हाँ, और कॉरिडोर में भी तुम नहीं थे। उफ़ पापा, मैंने आपसे कहा था मैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अनुभव, आपने कब मुझे बोला था कि आप बाहर जा रहे हो? मैंने आपको बोला था पर आपने सुना नहीं। बबलू अंकल, लुपा छुपी खेलने चले। हाँ चलो चलो। मेज पास देखना, अब मैं आस पास ही खेलना। हाँ चलो, इस बार हम क्यों क्यों मंगल, तुम इस मूर्ति को यहाँ क्यों ले आए? मनमानी करने लगे हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गुजरी हुई यादों की हर चीज को स्टोर रूम में बंद करके रखना है, कोई बाहर नहीं लाएगा। फिर तुमने बाहर लाने की हिम्मत कैसे की? मैं नहीं चाहती के बीते हुए मनहूस यादों का साया मेरे परिवार पे फिर से पड़े। मालकिन मैंने सोचा, सोचने का काम तुम्हारा नहीं है मंगल, जो मैं कहती हूँ वही करो। तुम नहीं जानते कि ये मूर्ति इतनी मनहूस है, ये किसी की जान ले सकती है, किसी। हाँ मालकिन, ये मूर्ति बहुत खतरनाक है। दक्ष पाप और दीदी पर गिरी गई होती वो तो अच्छा हुआ, फमर पाप। क्या ये मूर्ति अनुभव दक्ष पे? तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। सुनो मंगल, तुम इसी वक्त इस मूर्ति को
स्टोर रूम में वापस रख दोगे। चलो उठाओ इसे। तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये मूर्ति बिना कोई अपशगुन किए यहाँ वापस पहुँच गई। अब मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। चलो चलो मंगल। क्या बात है समर, बड़ा थके हुए लग रहे हो, रात को सोए नहीं? थैंक्स समर, तुमने इस प्रोजेक्ट पर इतना मेहनत किया। अन्नू दक्ष, आज हम सभी वापस जा रहे हैं। आज? मगर दादी आप इतनी परेशान क्यों हैं? इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी, क्यों अनु? I'm sorry दादी, सारा कसूर मेरा ही है। मैंने ही आपको कुछ बताने से सबको मना किया था। क्यों, तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं दादी। वाकई बहुत बड़े हो गए हो दक्ष, तुम इतने बड़े कि अपनी दादी से भी बात छुपाने लगे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सब तुम्हारा साथ देते हैं। दादी ऐसा नहीं है, हम तो ये साबित करना चाहते हो ना कि इस घर में अब दादी की कोई अहमियत नहीं है, जो कुछ है वो दक्ष सिंघानिया है। दादी ये आप क्या कह रही हैं, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? दक्ष ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। तो समर मुझसे ये सब छुपाया क्यों जाता है? दादी वो इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आप बेवजह परेशान हो जाती हैं। बेवजह? तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बेवजह परेशान होती हूँ? हाँ, क्या मैं पागल दिखती हूँ? नहीं दादी, मेरा मतलब ये नहीं था। समर दक्ष, तुम दोनों को यही डर था ना कि स्टैचू गिर जाने वाली बात से मैं कहूंगी कि हम सब वापस जाएंगे। तो हाँ, तुम दोनों का ये डर ठीक था। हम आज ही वापस जा रहे हैं। मगर दादी बस दक्ष, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तैयारी करो सभी, आज दोपहर को 1 बजे अच्छा मुहूर्त है, हम आज दोपहर को ही निकल जाएंगे। दक्ष, मैं जानती हूँ आप बहुत अपसेट हैं, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर दादी का दिल दुखाकर यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी आपका इतना काम तो हो ही चुका है। हाँ, वो समर ने काफी मदद कर दी। वैसे समर जी है कहाँ? अरे वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो समर और पप्पू गाड़ी ठीक करवाने। चलो, सामान तो सारा पैक हो गया। ईशान कहाँ है बेटा? दादी वो अपने कमरे में है, पैकिंग कर रहा है। आप बैठिए ना दादी। ये लो, समर भी आ गया। हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? जहाँ पर गाड़ी ठीक करवा रहे थे वहाँ से पता चला कि जिस पुल से यहाँ पर आते हैं वो टूट गया है 2 दिन पहले। हे माँ काली, ये दूसरा रास्ता तो बड़ा ही खतरनाक है, पर से बारिश का मौसम है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि यही होगा, ये जगह जकड़ती है, यहां से जाना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मनहूस जगह है ये। हे मां काली, अब तेरा ही आसरा है, रक्षा करना। सुनो सुनो सब लोग, यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, हम फंसे हुए हैं, इसीलिए हम सबको सावधान रहना होगा, चौकन्ने रहना होगा, समझे? Thank you.
क्या था वो सब? सपना या फिर कहीं मैं इस जगह रिसोर्ट बना के गलती तो नहीं कर रहा? पापा, मेरा एरो। अनुभव बेटा, ये एरो आपके पास कहाँ से आया? बबलू अंकल के साथ खेल रहा था जंगल में, तो वहां मुझे मिली। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप मुझे एरोज दे दीजिए, आप अंदर जाके खेलिए, ठीक है? ओके। यानी कि वो एक डरावना सपना नहीं बल्कि भयानक हकीकत थी। ये कैसे हो सकता है? रूपाली इस जंगल में कैसे हो सकती? काले कपड़ों वाला आदमी मुझे क्यों मारना चाहता है? क्या मतलब है इन सब चीजों का? कहीं सारी बातें जुड़ी हुई थी। छोड़ मेरे अनु को, पता नहीं दादी, मुझे भी कुछ पता नहीं। अनु बेटा, अनु, अनु, आराम से। अनु बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? जवाब दे दक्ष, अनु बाहर कैसे पहुंची? ये तो अपने कमरे में थी। मैं बाहर थी। आपको पता भी नहीं है? नहीं, वो मैं अपने कमरे में ही थी और अचानक न जाने कहां से कोई आया और ये नामुमकिन है। अरे हम लोग सब हॉल में बैठे हुए हैं, तो कोई ऊपर कैसे जा सकता है? तो क्या आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, क्या अब भी आपको लगता है कि ये मेरा वहम ही है? ये लोग किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तू बता क्या हुआ? हाँ दादी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। दक्ष, अनु जी, इतना कुछ हो गया और आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ बेटा, इतना कुछ हो गया, इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, तो भी तूने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे तो बताती। नहीं दादी, अनु ने मुझे सब कुछ बताया था, मैं ही अपने काम में इतना बिजी था कि इग्नोर करता रहा। दक्ष, तुम्हें सब कुछ मालूम था? और दक्ष, काम में लगन अच्छी बात है, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना बेटा, वो पागलपन है। भगवान न करे अन्नू को कुछ हो जाता, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। आप सही कह रही हैं दादी,
मैं तो वो सब कुछ भी नहीं बताया जो जो मेरे साथ हुआ है। छुपाया? क्या क्या हुआ दक्ष, बताओ मुझे। मैंने सफेद कपड़ों में रूपाली को जंगल में देखा है, एक बार नहीं कई बार। पर ये कैसे हो सकता है, रूपाली दी तो पागल खाने में है। पर ये हुआ है सयाली, एक बार नहीं कई बार हुआ है। कल रात मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ है। हे भगवान। जहां तक मेरा ख्याल है वही आदमी है जिसने मुंबई में मुझ पर हमला किया था। अब समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को कि मैं यहाँ आने से क्यों मना कर रही थी। लेकिन तुम लोगों को लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा वहम है। आज देखो, आज हम सब वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन भाग्य है कि हम जा ही नहीं सकते। दादी, ये सब प्रकोप है ये इस जगह का। अब हम सबके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इंतजार के कि अगला हादसा क्या होगा। पर दादी, इन सब चीजों से, इस फार्म हाउस से रूपाली का क्या लेना देना? वो दक्ष को कैसे दिखाई दे रही है जबकि वो तो पागल खाने में है। हाँ, मैंने और समझ ही ने खुद उन्हें पागल खाने में भर्ती किया है। लगता है हमें पागल खाने फोन करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि मामला क्या है। अगर वो वहां से भाग गई है तो पुलिस को फोन करना चाहिए। What? Are you sure? Thank you. बताओ समर, क्या हुआ? बताओ मुझे। अनुभव, चलो हम सबके लिए पानी लेने जाते हैं। चलो। समर जी, क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? She is dead. क्या? वो कह रहे हैं कि रूपाली मर चुकी है, एक हफ्ता हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है, पिछले हफ्ते ही तो मैंने रूपाली को कई बार देखा है। कम ऑन, मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। अगर अगर मान लो वो आत्मा है भी तो वो काले कपड़े वाले के साथ क्या कर रही है? तुम सही कह रहे हो समर, जब इंसान डरा हुआ होता है ना तो खुद के साए से भी डर जाता है वो। एग्जैक्टली। हाँ समर जी, कोई भूत वूत नहीं है, मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई थी। पर वो कौन है और क्यों कर रहा है ऐसा, और उसका रूपाली दी से क्या संबंध है? वही तो पता लगाना है साली। ये बात तो तय है कि ये किसी की प्लानिंग है। दक्ष, ऐसा कौन सा दुश्मन है तुम्हारा जो इस हद तक भी जा सकता है? हाँ दक्ष, सयाली सही कह रही है, तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन है? नहीं समर, ऐसा तो कोई नहीं। जो कोई भी है बहुत शातिर है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो अन्नू के कमरे में गया कैसे और अन्नू को किडनैप करके ले कैसे गया। ऊपर से आने जाने का रास्ता तो बस यही एक है और हम सब यही बैठे थे। हाँ दक्ष, हम सब यही थे, वो कैसे ले जा सकता है उसे? दादी सही कह रही है दक्ष, आखिर मेरे कमरे से बाहर तक वो मुझे लेकर कैसे गया? पापा मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो अनुभव? मैंने आपके कमरे में सिगरेट डोर देखा है। अनुभव, इस वक्त सभी परेशान है, मजाक का वक्त नहीं है। हाँ मैं गया था उस डोर पे, वो सीधा मम्मा के कमरे से बाहर जाता है। ओ, इसीलिए तू सुबह से लप्पा छुपी खेलने की रट लगा रहा है। बबलू, अनुभव, मजाक का वक्त नहीं है। दक्ष, बच्चा कह रहा है तो कम से कम तुम लोग देख तो लो। दक्ष, दादी सही कह रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। वी कांट टेक अ चांस। आप लोग सब यहीं रहिएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं आता हूँ, ठीक है? चलो सब। कहाँ है सीक्रेट डोर? वहाँ पापा।
वाह, आओ देखते हैं। कहाँ है? अंकल पुश कीजिए। अनुभव हमें भी दिखाओ जरा। यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं। दिखाओ जरा। दक्ष, ये तो सचमुच बाहर आ गए। कमाल है। इसका मतलब अनु को इसी रास्ते से ले गया होगा। हाँ। अनु बेटा, ये तीनों अभी तक आए क्यों नहीं? ईशान जरा देख तो बेटा। रुक जाओ ईशान, दक्ष ने किसी को कहीं भी जाने से मना किया है, सब यहीं रहेंगे। तुम लोग यहां से कैसे आए? तुम लोग तो ऊपर बेडरूम में थे, फिर यानी कि सीक्रेट डोर है? हाँ। इसका मतलब है वो जो कोई भी है उसे इस फार्म हाउस की पूरी जानकारी है। हाँ दादी, और इसी सीक्रेट डोर से वो आता जाता रहा, और इसलिए हम में से कोई उसे देख भी नहीं पाया। बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना, उसे जान से मार दूंगा। नहीं दक्ष, समझदारी से काम लो। न जाने ये लोग कौन है, कितना बड़ा ग्रुप है इनका, क्या इरादे इनके? हमारे साथ औरतें हैं, बच्चे हैं। समर ठीक कह रहा है दक्ष, जब तक हम यहाँ फंसे हैं हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम में से किसी को कुछ ना हो। दक्ष, परसों रात मैंने मंगल को अनुजी के कमरे में जाते हुए देखा और वो बहुत देर तक बाहर नहीं आया। वो यहाँ का पुराना नौकर है, फार्म हाउस के सारे राज जानता होगा, कहीं। मंगल इधर आओ। तू सब कुछ जानता था ना? फार्म हाउस के सारे राज जानता है ना तू? मेरे दुश्मन से मिला हुआ है, पता कौन है? राम कदम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरे सिवा कोई हो नहीं सकता मंगल, सच बता कौन है? बता कौन है? हमला तो बीच में बता। इसे माफ कर दीजिए, इसे कुछ नहीं मालूम। हाँ फाव, ये सीक्रेट रास्ते का राज हमें पता है और इसका इस्तेमाल भी हम करते थे छोटी मोटी चोरी के लिए, कभी कुछ कान की बाली, कभी 150 रुपये। कफम वे फाब, ये सब हमने पैसे के लिए किया है, किसी का खून करने के लिए नहीं। फाब, हमने किसी का खून नहीं किया, हम पर भरोसा कीजिए फाब। भरोसा करे तुम दोनों का इतना सा सुनने के बाद? अरे तुम दोनों चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या ये सब? हाँ क्या ये सब? फाब, हम मानते हैं कि हम पापी हैं, लालची हैं, लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया है फाब। किसी की जान लेने से बड़ा पाप है किसी का भरोसा तोड़ना। हमने सालों साल तुम लोग पे भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। अनु, अनु, अनु।
तुम्हारा ब्रेसलेट है ना पप्पू। देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे हाथ में देखा है। ये अनु के आंचल में कैसे पहुंचा पप्पू? देख पप्पू, तू मेरा भाई है, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। बस एक बार कह दे कि ये तुझसे खो गया था, मैं यकीन कर लूंगा। बोल पप्पू, मैं जानता हूं तू गूंगा नहीं है, तेरी चुप्पी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज तू कुछ बोलेगा। मेरा शक दूर करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तू कुछ बोलेगा पप्पू। बोल बोल पप्पू, सच क्या है? बोल दक्ष, क्या है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बातें जो अनुजी ने मुझे कही है, पर तुम्हें नहीं बता पाई। नहीं सयाली, प्लीज प्लीज अनुजी। बात क्या है? छी पप्पू, छी, घिन आती मुझे तुमसे। अरे भाई है तू मेरा, और अनु तेरी भाभी है। देख देख पप्पू, तेरे पास आखिरी मौका है, कह दे कि झूठ है, साबित कर दे कि सब गलत है। आखिरी मौका है पप्पू, साबित कर दे गलत है, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल पप्पू, बोल पप्पू, सच क्या? बोल बोल। तूने अनुजी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, हाँ? दर्शाने दो उसे, माफ कर दो। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर ये ब्रेसलेट कमला ने चोरी किया था तो दक्ष के हाथ में है, वो किसका ब्रेसलेट है? बहन नहीं है हमारी, लेकिन जब से अनु दीदी को देखा ऐसा लगता है कि ऐसी एक बहन होती। कुछ तो कहो प्लीज। देखो तुम्हें जो भी चाहिए मिल जाएगा, प्लीज कुछ बोलो, तुम चाहते क्या हो? मेरा दिल तोड़कर तुम अपने प्यार को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं सबको बता दूंगी कि अनु को किसने किडनैप किया है। आज रात 1 बजे तुम्हें तुम्हारी अनु मिल जाएगी। अपने फार्म हाउस से पश्चिम दिशा में आना, अकेले, कोई साथ आया तो अनु।